हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स में चैप्टर 5 में पेज नंबर 109 ओपन करो बेटा। 109, तो यहाँ देखो आपको बॉल काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ 16 लिखा है बेटा। अभी ये बॉल काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ 12 लिखा है, तो मतलब 12 स्मॉल नंबर है और 16 बिग नंबर है, तो 16 इज ग्रेटर देन 12। यहाँ देखो कैंडल है, तो कैंडल काउंट करो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ 13 लिखा है, 13। ओके, अभी ये कैंडल काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ 15 लिखा है बेटा। हाँ, तो यहाँ 13 कैसा है, स्मॉल है, और 15 बिग है, तो 13 इज स्मॉलर देन 15, मतलब 13 स्मॉल है। अभी यहाँ देखो रैकेट है ना बेटा, तो रैकेट काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7, अभी ये रैकेट काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 15 लिखा है, तो 7 स्मॉल नंबर है और 15 बिग नंबर है, तो 7 इज स्मॉलर देन 15, मतलब 7 छोटा है 15 से। ओके बेटा, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 19 देखो। यहाँ ये काउंट करो, ये माला जैसा बनाए ना, इसमें 10 है, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, तो यहाँ 1 4 14 लिखो, ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 17 लिखो, तो 14 इज स्मॉलर देन 17। ओके, अभी ये काउंट करो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ 1 5 15, 15 इज, अभी यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 और 12, यहाँ 1 टू 12 लिखो, तो 15, यहाँ 15 हुआ, यहाँ 12 हुआ, 15 इज ग्रेटर देन 12, मतलब 15 बड़ा है 12 से। अभी ये ट्राइंगल काउंट करो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 लिखो, तो 9 स्मॉल नंबर है और 11 बिग नंबर है, तो 9 इज स्मॉलर देन 11। अभी यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 20, पुट सर्कल अराउंड द ग्रेटर नंबर। 15 और 18 में ग्रेटर मतलब बड़ा नंबर कौन है, 18, यहाँ सर्कल करो। 12 और 11, ये दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 12, तो यहाँ सर्कल करो। 19 और 9, इसमें दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है, 19 पे सर्कल करो। 4 और 14, यहाँ ग्रेटर नंबर कौन सा है बेटा, 14, तो 14 पे सर्कल करो। 12 और 17, ये दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है, 17, तो 17 पे सर्कल करो। अभी क्वेश्चन नंबर 21 आया, इसमें ट्राइंगल बनाना है। हेडिंग पढ़ो, पुट ट्राइंगल अराउंड द स्मॉलर नंबर। यहाँ देखो 1 3 13 है, 1 7 17 है, तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, 1 3 13, तो यहाँ पुट ट्राइंगल बनाना है 13 पे। 18 और 8, ये दोनों में स्मॉलर कौन है, 8 है, तो 8 पे सर्कल करो। 15 और 5, ये दोनों में स्मॉलर कौन है, 5, तो 5 पे ट्राइंगल करो। 10 और 16, तो ये दोनों में स्मॉलर कौन है बेटा, 10, तो यहाँ ट्राइंगल करो 10 पे। 4 और 14, ये दोनों में स्मॉलर कौन है, 4 है, तो 4 पे आपको ट्राइंगल करना है। ओके बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 22, काउंट द लीव्स एंड देन राइट द आंसर इन बॉक्स। ये आपको लीव्स काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ 1 3 13 लिखो। अब ये लीफ काउंट करो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ 15 लिखो, तो ये कितना हुआ बेटा, 13, 1 3 13 इज स्मॉलर देन 15। अभी रेट्स देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी ये 1 2 3 4 5 6, तो 11 इज ग्रेटर देन 6, है ना, 11 बड़ा है 6 से, तो आपको ये लिखना है। अभी यहाँ देखो, ओपन करो बेटा पेज नंबर 110, है ना, यहाँ देखो
काउंट एंड राइट द नंबर इन राइट, ऑल्सो पुट राइट फॉर ग्रेटर नंबर एंड क्रॉस फॉर द स्मॉलर नंबर। यहाँ आपको जो पिक्चर दिया है वो काउंट करना है, जो ग्रेटर नंबर है इस पे आपको राइट करना है और स्मॉलर नंबर पे आपको रॉन्ग करना है। ये देखो फर्स्ट आपको एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल पे ध्यान रखो बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ 1, 4, 14 हुआ, तो 14 लिखा है, ओके। अभी यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ 13 लिखा है, ओके। तो ये दोनों में से जो बड़ा नंबर है मतलब ग्रेटर नंबर उस पर आपको राइट करना है और स्मॉलर नंबर पे उस पर आपको क्रॉस करना है। ये लीव्स देखो, लीव्स काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 1, 4, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो यहाँ हुआ 19, ओके। तो यहाँ ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ 19, तो यहाँ आपको राइट करना है, यहाँ क्रॉस करना है। ऐसे बॉल और मैंगो काउंट करके आपको अपने आप ये सीखना है, ओके बेटा। तो पेज नंबर 109 और 1010 आपका होमवर्क रहेगा।